नजर आ रहे हैं, अगर आप उसपे थोड़ा सा पीछे जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार पर नजर डालें, ये बड़ी बात है। सोचें से कि तीसरी बार नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन रहे हैं, क्यों? उन्होंने काम किया है, ये है या नहीं? और भी बहुत लोग हैं, वो क्यों नहीं बनते, लेकिन उसने काम किया है। वो जब भी आए हैं, उसका पहला दौर देख लें, दूसरा दौर देख लें, चाहे 2.5 साल रहे हैं, 3 साल रहे हैं, ऐसे काम करके गए जो छुपने वाले नहीं है। मोटरवेज किसने बनाई है? यूनिवर्सिटियां किसने बनाई है? एयरपोर्ट कराची का, लाहौर का किसने बनाया? वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह आपके एयरपोर्ट भी नवाज शरीफ उसके मुकाबले पे एयरपोर्ट बनाएंगे। अभी आज यूनिवर्सिटी कैंपस का यहाँ इफ्तिताह हुआ और मैंने उस फंक्शन में भी, उस प्रोग्राम में भी ये बात की कि ये तो आज हम कैंपस का इफ्तिताह कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यहाँ यूनिवर्सिटी का खुद इफ्तिताह होगा और यहाँ शानदार यूनिवर्सिटी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब इन चीजों पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सड़कें हैं, मोटरवेज हैं। आपके लिए माशाल्लाह अगर ऐलान किया तो किसने एक्सप्रेसवे का ऐलान किया? नवाज शरीफ ने किया या नहीं? मोटरवे का ऐलान कर रहे हैं, एक्सप्रेसवेज का ऐलान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि ये मुल्क और ये इलाके तरक्की करेंगे तो तभी करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा। इमरान खान साहब अपने इन वर्करों को क्या सजा दे रहे हो? इन वर्करों ने कौन सा जुर्म किया है कि आप तो खुद कंटेनर में, एयर कंडीशन कंटेनर में सफर करते हैं और जब आप तक जाते तो नीचे आते एयर कंडीशन कमरे में और फ्रेश हो जाते और सारी चीजें आपके कंटेनर में मौजूद है और उन लोगों को नहीं देखते कि रातों को उसको घसेटते हो कि इधर आओ उधर आओ, किस मकसद के लिए आओ? आपसे सवाल करते हो इमरान खान और ताहिर कादरी कि किस मकसद के इन लोगों को ले गए? मिशन क्या है, मकसद क्या है? पाकिस्तान की दुश्मनी है, शर्म करो, पाकिस्तान की दुश्मनी है। और वही जो मंसूबा सीपेक जिससे पूरे पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदल रहा है, उसमें रोड़े अटकाना है, ये मैसेज दे रहा है कि यह लाइन अडर में अफला नहीं है। इमरान खान साहब मुझे बहुत दुख हुआ रात को कि यहां मरदान में जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा, उस दिन गवर्नर साहब भी तशरीफ लाए मरदान, मैंने भी हाजिरी दी अपने पार्टी की तरफ से मरदान में। एक तरफ तो आपके सूबे में लोगों के खून इस तरफ बह गए बेगुनाहों के और पेशावर में, और दूसरी तरफ आपको देख लगे सारे लोग डांस ही कर रहे हैं लाहौर में। खुदा के लिए कौन सा जुर्म है इन लोगों का? पहले आपने क्या किया, 120 दिन कंटेनर पर नचाया और हमारा वजीर आला साहब भी आके उसमें शामिल हो गया।